आपण ही जी घटना झालेली आहे त्या घटनेच्या जवळ प्रत्यक्षदर्शी आपण रहिवाशांजवळ बोलणार आहोत. जेव्हा हा काम सकाळपासून सुरू होता तेव्हा येथील रहिवासी ह्या भागातच होते. जेव्हा जो काम ह्या आधीपासूनच चालू होता अनेक वेळा कंप्लेंट करून किंवा प्रशासनाला अनेक वेळा त्यांनी निवेदन दिलेले आहेत तरी मात्र काम थांबलेलं नव्हतं आणि आज 3 लोकांचं ह्याच्यामुळे प्राण गमावसुद्धा लागला असतं. आपण येथील रहिवाशांशी संवाद साधूया. एकंदरीत ह्या घटनेचं कधीपासून ते विरोध करत होते आणि किती कशा प्रकारचं निवेदन देऊन सुद्धा प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. आपण रहिवाशांकडे याची पाहिजे एक पश्चिम नाका चेंबूर के रहवासी है माड़ा कॉलोनी के और ये जगह के विरोध हम लोग ने नगर सेविका अपना MMRT BMC सब का जो हम लोग ने लेटर डाला है लेकिन हमारे RCF चौकी को भी डाला है लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है क्योंकि ये नगर सेविका है करके हमारा आवाज दबाई जाती है. और दूसरी बात आज ये तीसरी बार ये घटना हो चुकी है. दो बार तो इनका माल का ट्रक अंदर घुस गया, आज भी माल का ट्रक घुस गया और उसके साथ में 3 बच्चे अंदर गए और एक लेडीज है. अगर कल को दुर्घटना कुछ ये हादसा हुआ तो इसमें बचाने के लिए हमारे बिल्डिंग के लोग अंदर, ये हादसा हुआ तो हम लोग ने हम रहवासी लोगों ने ही उनको निकाले हैं जबकि इनका प्रशासन के लोग इन लोग सब बाद में 1.5 घंटे के बाद में आए. अगर और नगर सेविका का तो कुछ अता पता ही नहीं है, कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं इधर. और दूसरी बात है अगर ये जगह के ऊपर कुछ भी पान काम होता है हम पब्लिक विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई का एक्शन होने का धमकी मिलती है. तो इसके लिए हम लोग प्रशासन से और जो शासन में बैठे हुए चीफ मिनिस्टर है उनकी सत्ता है तो इन लोग के नगर सेवक इनके यूटी वाले ये सब काम करेंगे तो आम पब्लिक क्या करेंगी. और हमारा लाइफ का धोखा होगा तो हमको कौन जिम्मेदार, हमारा लेकिन इतनी बार विरोध होने के बाद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जब इतनी जगह पे इन्होंने लेटर डाला है, MMRD में डाला है, माड़ा में डाला है, RCF चौकी में डाला है और भी लोगों की जगह पे लेटर डाले. इतना लेटर डालने के बावजूद इसकी कोई कार्रवाई क्यों नहीं है, कोई एक्शन क्यों नहीं. 3 बार हादसा हुआ, 3 बार, ये तीसरी बार है. हाँ आप देख सकते हैं जो जगह पे हादसा हुआ है उस जगह पे पानी का टाकी रखा हुआ है. हाँ तभी भी किया था इन लोगों ने, पानी का टैंकी नहीं चेंबर का टैंकी. रिप्लाई कुछ कुछ रिप्लाई नहीं आया तो टैंकी है पानी की, हमारा संडा टैंकी नहीं आया. ये लोग तो अपनी कार्रवाई कुछ भी नहीं आया, किसी की तरफ से इन लोगों को कोई जवाब नहीं आया. हम भी यहाँ के रहवासी लेकिन हम थोड़ा आगे रहते, ये खास ये बिल्डिंग में रहते, हम थोड़े आगे की बिल्डिंग में रहते लेकिन है तो एक ही एरिया के ना. आज छोटा हादसा हुआ कल बहुत बड़ा भी हादसा हो सकता है. हाँ तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन और कोई बोलते ना इंक्वायरी होनी चाहिए लोगों की. ये सब हम लोग को कोई पॉलिटिकल इशू नहीं चाहिए, हम लोग हादसे टाइम ये लोग सब यहीं पर थे तो ये यहीं के रहने वाले वो पानी की टाकी में वो जो टाकी है उसमें घुस के वो 2-3 जने वो बच्चों को उनको सबको निकाल के हॉस्पिटल में पहुंचाए. जब तक कोई कार्यकर्ता या कोई ऐसा बड़ा आदमी टाकी के अंदर बच्चे लोग 5-6 घंटा बच्चे अंदर बोला जाता है. हम लोग इधर अगल बगल में सोसाइटी वाले से हम लोग ने बात करी है, गाड़ी लगा को दबका रहे क्या बोले क्यों लोग यहाँ रुका रहे. काम अगर ये काम रुक गया उसके बाद क्या हालत होएगा तुम लोग जानते हो. एक एक का घर में घुस के मारने वाले हैं. हम लोग को ये बोला गया इधर, हम लोग के सामने बोला गया इधर, ये धमकी दिया गया. हम लोग इधर दिन पे बैठे रहते हैं, वॉचमैन कल के हम लोग भले चिढ़ा रहे हैं. यहाँ पानी का टाकी जहाँ है वहाँ उसका नीचे भी पहले एक बार हादसा हो चुका है, अभी भी जाके देखो इतना बड़ा खड्डा है. हम लोग उसको बंद करवा रहे हैं, बच्चे लोग को हटा रहे हैं हम लोग वहाँ से, कोई एक्शन नहीं हो रहा है. इसका एक्शन नहीं लिया तो इससे बड़ा हादसा एक्शन और ना रोका गया तो आगे चल के बहुत बड़ा भी हादसा हो सकता है. इसके लिए अपने को कार्रवाई इंक्वायरी चाहिए इस बात की. हमको न्याय चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए. हम लोग कितना दौड़ेगा, ये बंद होना चाहिए इधर. कोई हमको लाइब्रेरी नहीं चाहिए.